आज हम बनाने वाले हैं गुड़ुम्बा आम की मीठी चटनी। गुड़ुम्बा बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, पुदीना, हरी मिर्च, कच्चा आम, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, प्याज और सफ़ेद नमक। अब हम आम के छिलके को धीरे धीरे निकाल लेंगे। हमारा आम का छिलका पूरी तरह से निकल चुका है। अब आम को बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का यूज़ किया है। प्रेशर कुकर में जल्दी आम बॉईल हो जाता है और इसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड किया है। प्रेशर कुकर को गैस पर रख देंगे ताकि आम हमारा अच्छे से बॉईल हो जाए। जब तक हमारा आम बॉईल हो रहा तब तक हम हरी मिर्च प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। कुकर में सीटी लग चुकी है, अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर की सीटी निकल चुकी है, आम भी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। देखिए आम हमारा कितने अच्छे से बॉईल हो चुका है। आम को अब किसी बड़े बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। चाकू की हेल्प से हम गुठली और आम के पल्प को अलग कर लेंगे। अलग किए हुए पल्प को हम चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश किए हुए पल्प में अब मैं ऐड करूंगी इसमें कुटी हुई हरी मिर्च, कुटा हुआ पुदीना, गुड़ को मैंने अच्छे से इसे कूट लिया है और अब इसमें डालेंगे प्याज। इसमें ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, भुना पिसा हुआ जीरा 2 चम्मच। लास्ट में ऐड करेंगे हम पानी। पानी एक बार में हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा। हमें इसे हल्का गाढ़ा रखना है चटनी जैसा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब गुड़ुम्बा हमारा बनके तैयार है। इसे आप चाहे तो रोटी या पराठा या किसी भी पूड़ी वगैरह के साथ खा सकते हैं। जैम और सॉस जो हम दुकानों से लाते हैं ये लाख गुना उससे हेल्दी है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।